नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गुड क्लासेस में। जैसा कि लगातार आप अगर पीडीएफ को पढ़ रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा। जो पीडीएफ पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे उनका ज़रूर पेपर थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर मेहनत दूसरे तरीके से कर रहे होंगे तो आंसर तो दे ही पाएंगे, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा उस हिसाब से हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम पीडीएफ को पढ़ के दिया। देखिए क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आपको क्या आगे पढ़ना है वो भी मैं आपको इस ही वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से ध्यान से समझना कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है कार्बन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को तो भूल जाइए, लेकिन आपने कार्बन का नाम सबसे ज़्यादा सुना होगा, तो कार्बन के हिसाब से भी आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि औरों में कार्बन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बी ऑप्शन कम्प्लीटली अपना यहाँ पर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वह है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस निम्न की जो पीडीएफ्स हैं उनमें से निकाले गए क्वेश्चन हैं, और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आज एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, है ना। क्योंकि जो बच्चे हमारे पास भेजते हैं वही हम आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना। देखिए सारे क्वेश्चंस बच्चे याद नहीं कर पाते, कुछ एक ही क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो माइंड में रहते हैं एग्जाम देने के बाद, है ना। 38 क्वेश्चंस आ रहे हैं थ्योरी से, तो ऐसा थोड़ी है कि 38 ही क्वेश्चंस को बता देगा, ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन हाँ ये ज़रूर बता पाता है कि दो चार क्वेश्चंस बता पाता है। इनमें से हमने अलग अलग बच्चों के लेके और मिक्स किया है ना। तो लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ना, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, आपको फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी जो होती है यानी कि हाई टेंशन जो लाइन्स होती हैं, बड़ी लाइन्स होती है, तो उनके लिए जिस जनरेटर का उपयोग करते हैं वह आपको याद रखना है, कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन है, और अभी तक अपन ने दो क्वेश्चन देखे हैं, दोनों क्वेश्चन अपना फर्स्ट जो चैप्टर है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है ना। ये भी देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अपन संट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन उसी से पूछा गया है, यानी कि डीसी जनरेटर से तीन क्वेश्चन मिल चुके हैं अपन को, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए थे, जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, उनमें मैंने ये क्वेश्चन जरूर करवाया था, और ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? यह स्टार डेल्टा स्टार्टर है ना। अगला जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? तो देखिए चित्र बताता हूँ मैं आपको, यह आपके सामने है कि यह कौन सा परीक्षण है ना। तो यह कौन सा है, इसका आंसर बच्चे आप खुद ही कमेंट में लिखना। देखता हूँ देखिए कितने बच्चे इसका कमेंट में आंसर देते हैं, कितनों ने पढ़ाई ढंग से की है, कितने जो बच्चे वो भी होंगे इसमें जो एग्ज़ाम दे के आए होंगे, तो उनका गलत निकलता है या सही मैं देखूंगा, है ना। इसका आंसर आप देना, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी तो छोड़ूं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि है इस तरीके का, वह है सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? ये सिंगल फेज मोटर है, इसका नाम क्या है? यहाँ पर एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, अपकेंद्रीय शीर्ष नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही रहेगा, स्थायी संधारित्र मोटर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, देखिए दो क्वेश्चन आ गए, देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया था, सॉरी हाँ यही क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन क्या
एसी तीन फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तारों का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर। ठीक है, थ्री फेज से संबंधित क्वेश्चन आया था, सुपर इनामेल्ड, ध्यान रखना। पीवीसी का पूरा नाम है, ये बता देता हूँ, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉली विनाइल और क्लोराइड, ध्यान रखना इसका भी, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो बन जाए। अगला क्वेश्चन है जो कोई है, इन्वर्टर का क्या, सॉरी, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? इन्वर्टर क्या कार्य करता है? इन्वर्टर जो कार्य करता है ना, यहाँ तो आपको ये जंजाल दिख रहा होगा, मैं आपको डायरेक्टली ऊपर ही बता दूँ कि ये जो है ना डीसी को एसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है। और अगर कम्यूटेटर के बारे में पूछे, कम्यूटेटर क्या करता है, तो कम्यूटेटर करता है एसी को डीसी में भी बदलता है, साथ ही डीसी को भी एसी में बदलता है, दोनों काम करता है वो। लेकिन जो अगर जनरेटर है तो वहाँ पर ये कार्य करेगा एसी को डीसी में बदलने का, और अगर मोटर है तो डीसी को एसी में बदलेगा, ये कार्य कम्यूटेटर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर का पूछा है तो वो केवल एक ही काम करता है, डीसी को एसी में बदलता है। ऑप्शन में भी बता दूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर क्या है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, तो ये कार्य नहीं करता। डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, जी हाँ ये सही रहेगा। आइए क्या दिया है, डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, नहीं करता। एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में, ये कार्य कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है, ये भी गलत। तो यहाँ पर ए बी ऑप्शन ही क्या रहेगा अपना, कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। एकल चरण प्रेरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? देखिए यहाँ पर चित्र देखना पड़ेगा अपन को, ये चित्र को आप ध्यान से देखिए कि यह जो जनरेटर यह किस प्रकार का है, या यह जो मोटर है, मोटर का डायग्राम है, ये एसी मोटर है, तो ये जो एसी मोटर है ये किस तरीके का मोटर है? तो यहाँ पर आपको दो कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, तो दो कैपेसिटर के हिसाब से आप कौन सा आंसर दोगे? तो देखिए कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन ही आपका सही रहेगा, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। यह क्वेश्चन भी मैंने उस पीडीएफ में करवाया था जो 20 क्वेश्चंस थे, है ना, दो से तीन क्वेश्चन मिले हैं उसमें से, 20 क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, उसमें से ही दो तीन क्वेश्चंस तो बच्चों के मिल ही गए। देखिए घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है, और वो 20 क्वेश्चंस भी वो करवाए थे जो लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन लगातार अभी जो चल रहे एग्जाम उनमें पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने उन 20 क्वेश्चनों को करवाया था, और वही क्वेश्चन आपके भी आ गए, यानी कि लगातार वो चल रहा है ना। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? तो इसके लिए मोटर प्रयोग की जाती है वो संधारित्र प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है ना। देखिए जनरेटर से कितने क्वेश्चन पूछा गया है, डीसी जनरेटर से, देखते रहिए, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की जो दिशा है वह तो कौन सा नियम निर्धारित करेगा? तो डीसी मोटर में घूमने के जो है, तो मोटर का पूछा है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, आंसर होगा वो होगा पोल शू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था जो कि इस तरीके का है, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? यह इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, ठीक है, तो यह भी पीडीएफ का ही है जो कि है, यहाँ पर ये एससीआर लगे डायोड जो है ना, यहाँ पर ये वाले डायोड, ये एससीआर लगा हुआ है, तो यह इस अनुसार अपन आंसर दे सकते हैं, एस सी आर यूज्ड इन्वर्टर है ना, यहाँ पर ये एस सी आर लगे हुए हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आया है वह यह आया है मध्यम विनिर्माण उद्योग के लिए किस संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ए 25 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़,
10 करोड़ से 20 करोड़ या 20 करोड़ से 25 करोड़। तो यहाँ पर मध्यम का पूछा है ना, तो मध्यम का ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है एमसीबी के लिए किस विद्युत उपकरण श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो एमसीबी जो एल यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूरा नहीं है, यहाँ पर है एल सीरीज टाइप एमसीबी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एल सीरीज का किया जाता है गीजर के लिए, एयर कंडेंसर में जो किया जाता है वह होता है जी प्रकार का, ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद। यानी कि आपके क्वेश्चंस यहीं पर ही समाप्त होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा क्वेश्चंस थ्योरी का निम्मी से आ रहा है, ये आप ध्यान रखना। जो भी निम्मी की पीडीएफ है उनको आप कंप्लीटली पूरा अच्छी प्रकार से पढ़ लें, है ना। लगातार मेहनत करोगे तभी आपकी पार पड़ेगी। जिनको ये क्वेश्चंस पता है वो तो आधे घंटे में एग्जाम पेपर कर सकता है ना, जिन्होंने पीडीएफ को अच्छी प्रकार से पूरा पढ़ रखा है तो, है ना। तो इस हिसाब से आप लगातार मेहनत करें। जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम रह चुका है वह भी अपना एग्ज़ाम शांतिपूर्वक अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर दें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।